सो हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ वीवो फ़ोन में जो हेडफोन के साउंड इफेक्ट आ रहे हैं वो कस्टमाइज़ कैसे करने हैं। जैसे आपको लेफ्ट में आवाज़ कम आ रही है या राइट में आवाज़ कम आ रही है वो आपको कैसे एडजस्ट करना है वो भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और इसमें आपको जहाँ आपकी एज के अकॉर्डिंग साउंड इफेक्ट आपको लगाने हैं वो भी यहाँ पर आपको ये फीचर मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने का जरा भी स्किप मत करना क्योंकि सारा कुछ आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें क्योंकि इस वीडियो का लाइक है मैं 50 लाइक आपने करवाने हैं मुझे पता 100% आपको करवा दोगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबा क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूं। और अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर क्लिक करके वहाँ पर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट आपको जाना होगा, आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन कर लेनी है। फ़ोन की सेटिंग आपको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको साउंड पर क्लिक कर देना है। जबकि यहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद नीचे जाना है, यहाँ पर लिखा होगा एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एयर कस्टमाइज साउंड इफेक्ट को कर देना है ऑन। जब यहाँ पर ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे चार ऑप्शन मिल जाएंगी, अंडर 30 इयर्स ओल्ड, ठीक है, 30 to 60 इयर्स ओल्ड और यहाँ पर अबव 60 इयर ओल्ड। उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे नीचे एड कस्टम साउंड इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आपकी एज 30 से नीचे है तो यहाँ पर आपको उसको सिलेक्ट कर लेना। आपके जो साउंड इफेक्ट है वो आपके कैसे आपको 30 के नीचे जो आपको सुनने चाहिए वो यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर अगर 30 से अबव है तो यहाँ पर आप कर सकते हो क्लिक, ठीक है। उसके बाद 60 से ऊपर हो जो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखोगे ऐड कस्टम साउंड इफेक्ट लिखा हुआ है, तो जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपनी मर्जी से अपने हिसाब से तो यहाँ पर आप इसको कर सकते हो। अगर आप यहाँ फर्स्ट मोड यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एक साउंड सुनाई देगा, ठीक है, यस नो आपको करते रहना है, ठीक है। सुनाई दे रहा है यस कर देना है, नहीं सुनाई दे रहा नो कर देना है। बीप की आवाज़ सुनेगी यहाँ आपको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखोगे प्ले करके यहाँ पर प्ले विद ओरिजिनल यहाँ पर साउंड यहाँ पर प्ले करके आपको आपके हेडफोन में सुनाई देगी, ठीक है। जब यहाँ पर आप ये करते हो ऐड कस्टम साउंड इफेक्ट तो आपको हेडफोन जरूर लगा लेना है, ठीक है, तभी यहाँ पर आप ये कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखोगे प्रिसीजन मोड लिखा हुआ था, जहाँ पर आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर आपको एक एक बीट आपको सुनाई देगी, तो जहाँ पर आप सुनाई देगी। अगर आपको नहीं सुनाई दे रही है तो जहाँ पर आप इसको प्लस पर यहाँ पर आपको ले जाना है, यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे तो जहाँ पर आपको आपको वी आवाज़ सुनाई देगी। जब जहाँ पर आपको आवाज़ सुनाई देगी तो जहाँ पर आपको इसको कर देना है ओके, ठीक है। ऐसे आपको जब आपको आवाज़ सुनाई देगी तो सिंपली ऐसे ओके करते रहना है। तो यहाँ पर आपको प्रोग्रेस 100% कर लेना है। जब यहाँ 100% कर लोगे तो आपको यहाँ पर आपके नाम पे एक प्रोफाइल बना लेना, ठीक है, वो ऐड हो जाएगी। उस पर क्लिक करके आप अपने हिसाब से जो आपके हेडफोन के जो बीप्स हैं इफेक्ट हैं वो आपको सुनाई देंगे जो आप साउंड लगाओगे उसके अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगेगी, तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके बाय।